नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए HBNN बुलेटिन। शहर के दुकानदार दुकानों के सामने सामान रखकर अतिक्रमण करते हैं, यह एक ऐसी समस्या है जो कभी हल होने की स्थिति में नहीं दिखती। जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जी वाले अधिकारी आते हैं तो शहर में अतिक्रमण से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती, फिर से हाल वही हो जाते हैं। एक बार फिर इटारसी शहर में SDM मदन सिंह रघुवंशी और CMO हेमेश्वरी पटले आए हैं, जो मिलकर शहर की समस्या के निराकरण में लगे हुए हैं। फल बाजार के लिए शेड है, चबूतरे हैं, लेकिन इस पर कोई बैठता नहीं था। आज सख्ती से SDM और CMO ने पहुंचकर फल विक्रेताओं को यहां शिफ्ट किया। शहर के अंदर भी उन दुकानदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो दुकान के सामने सामान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी दुकानदार इस तरह की हरकत करते हैं, कुछ समझदार दुकानदार भी हैं जो अपनी दुकानों के आगे सामान नहीं रखते हैं। एक बात समझ से परे है कि दुकान अपनी है और जो भी ग्राहक दुकान पर आएगा तो वह कहाँ खड़ा होगा, इसका भी ध्यान दुकानदार नहीं रखते हैं। दुकान के बाहर सड़क है जिस पर आम जनता का अधिकार है, जहाँ से वह आसानी से निकल सके, लेकिन दुकानदार अपने सामने की सड़क पर सामान रखकर सड़क पर कब्जा कर लेते हैं और सामने वाला दुकानदार भी आधी सड़क पर डिस्प्ले कर लेता है। अब सवाल यह है कि ग्राहक निकले कैसे। खैर, अभी तो अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं कि किसी तरह भी इस समस्या का स्थाई। आप देखें कि लोगों की एक आदत होती है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पास एरिया जो होते हैं उन एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे आम आदमी को तकलीफ होती है, आवागमन बाधित होता है। तो हमने जो जहाँ निर्धारित स्थान है वहाँ पर जो है जो फल मंडी है उसको वहाँ शिफ्ट किया है। दूसरे भी जो दुकानदार जो है दुकानों से सामान बाहर रखते थे उनको हमने व्यवस्थित कराया है और धीरे धीरे लगभग 90% व्यवस्था हमारी व्यवस्थित हो गई है। 10% अगर बची है तो उसमें और ज़्यादा सख्ती हम करके उसको पूरा करेंगे। जो दुकानदार जो फल दुकानदार हैं, फल वाले हैं, अगर वो अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे तो हम उनके उनके जो आवंटन है वो निरस्त करके दूसरे लोगों को बैठाएंगे। थैंक यू। सोहागपुर पुलिस ने बिहार दरभंगा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया था। सोहागपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह कुल्हारा ने बताया कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था, इसकी शिकायत हुई थी। इस दौरान साइबर सेल को संदेही के मोबाइल लोकेशन की घटना इटारसी मिली। यहाँ सोहागपुर पुलिस पहुँची और टीम ने इटारसी जाकर देखा तो वे दोनों नहीं मिले, लेकिन जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वह इटारसी के पास ही मिली। इस मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। इसके बाद दोनों की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के थाना क्षेत्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना भेजी गई। इसी बीच GRP को सूचना मिली कि बिहार के दरभंगा GRP ने एक युवक युवती को संदेह के आधार पर पकड़ा था और पूछताछ की है, जिसमें लड़की ने होशंगाबाद के सोहागपुर का होना बताया है। इस सूचना के मिलते ही सोहागपुर पुलिस की टीम तत्काल दरभंगा पहुंची और इसके बाद आरोपी को नाबालिग के साथ सोहागपुर लेकर आए। आरोपी युवक उत्तर प्रदेश निवासी आदित्य कुमार सिंह हैं। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उपस्थित जिलाध्यक्ष होशंगाबाद हरपाल सिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष यूथ विंग अरुण पटेल, ब्रजेश चोरे, मनोज पटेल, सम्राट तिवारी मौजूद थे। किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी दी जाए। खलिहान में फसल पड़ी है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू हो। किसानों को पर्याप्त DAP और यूरिया उपलब्ध कराई जाए। कृषि उपज मंडी में बड़े तोल कांटों को ही अनुमति दी जाए।